तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उस पे। अब बहुत से लोगों ने आप लोग कमेंट किए हैं यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, काउंसलिंग और यहाँ पे फार्मेसी एडमिशन से रिलेटेड। सो अगर आप भी अभी काउंसलिंग कराना चाहते हैं या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्म में, सो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और एक एक स्टेप करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप जितने भी लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप अपना डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जिसका प्राइस अभी है मात्र 999 रुपये, इतना में आपको दिया जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर। एंड उसके साथ साथ जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, डाउट्स पे हम बात करेंगे आपके, और आपको मेरे द्वारा 100% सपोर्ट दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक्सपर्ट टीचर के साथ 250 लगभग प्लस वीडियो आपको मिलेगी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर होगा। उसमें इस तरह का आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस जो है आपको दिया जाएगा, स्लाइड रिकॉर्डिंग और कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर एंड जो है ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगी। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया है इस पर, कि क्या किसी का एडमिशन होगा और नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, अगर नॉट क्वालिफाइड लिखा आ रहा है सो क्या एडमिशन हो जाएगा। इस तरह का कमेंट बहुत ज़्यादा मिला है, एक लोग का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। सो अगर आपका क्वालिफाइड में यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है या फिर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर नॉट क्वालिफाइड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, सो आपको बोल सकते हैं कि वो आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का मतलब नहीं बनता है, आपको फिर यहाँ पे ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, या फिर आप नहीं एग्ज़ाम दिए हैं फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर क्वालिफाइड लिखा हुआ है सो आप मान के चले कि आप क्वालिफाइड हो और आपको एक बेटर कॉलेज मिल सकता है। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद भी प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है? जी बिल्कुल, ये कॉलेज पे कंफर्म जो है डिपेंड करता है। आप एक बार जिस भी कॉलेज में काउंसलिंग कराकर एडमिशन ले रहे हैं वहाँ कंफर्म कर लीजिएगा, वहाँ आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज की फ़ी कितनी है। मैं बात करूँ तो 45,000, 50,000, 60,000, 65,000 भी कॉलेज की फ़ी है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है, आप काउंसलिंग करा रहे हैं फिर भी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा या फिर नहीं, जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं भाई, गवर्नमेंट कॉलेज हैं कहाँ कि आप प्राइवेट कॉलेज एडमिशन लोगे। तो जितने लोग के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्या सही है रहेगा कि नहीं रहेगा, सो आप 3 कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको एक अच्छे कॉलेज की तलाश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्या किसी और ग्रुप के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं, जितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म किसी और ग्रुप के लिए फिलअप किया हूँ लेकिन मैं किसी और ग्रुप में काउंसलिंग कराना चाहता हूँ, सो ये पॉसिबल नहीं है, ये आप नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज़ सर रिप्लाई, सर यहाँ लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड रीजन पे, तो सर काउंसलिंग करवाते हैं तो सर जॉब जब कॉलेज मिलेगा तो फी कम होगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक, इस तरह का मैं बोला कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, तो जहाँ तक है कि आप प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं तो समझ में आ गया होगा कि कॉलेज की फ़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो जिस कॉलेज में आप काउंसलिंग करा रहे हो वहाँ एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तब भी फ़ी ज़्यादा लगेगी? देखिए अलग टाइप पर पूछा हुआ लेकिन कमेंट्स यही है, तो हाँ ज़्यादा लग सकती है हिंदुस्तान टीवी से। ठीक, सर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग में नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो क्या काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए इस तरह का बहुत ज़्यादा कमेंट है, मैं पहले बोला तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ तक कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं फिर भी आप एडमिशन करा करके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं कॉलेजेस में जाकर। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए कितने रैंक चाहिए? तो आप वीडियोज देख लीजिएगा, हम कंप्लीट डिटेल से बात किए हैं जिसमें कॉलेज के बारे में बात किए हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, डी फार्मेसी के लिए कितना नंबर लगेगा, काउंसलिंग हो जाएगा जनरल के लिए?
तो इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है। आप मैं बोलूँगा कि आप जो भी इस टाइप पे कमेंट करते हो रेगुलर वीडियोज़ नहीं देखते हैं, सो आप सब वीडियोज़ देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि ये एक लॉजिक का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इस टाइप पे बहुत से लोगों का कमेंट्स जो कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कमेंट करते हैं आप लोग, तो इसलिए मैं ये कमेंट्स को यहाँ पर लिया हूँ कि डी फार्मेसी के लिए कितना नंबर लगेगा कि काउंसलिंग हो जाएगा जनरल के लिए। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं, तो पिछली वीडियो को आप देखिए और काउंसलिंग से रिलेटेड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन हम चैनल पे दिए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सर मैं एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आप गवर्नमेंट कॉलेज दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं, आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल न्यू चाहिए क्या काउंसलिंग में? फर्स्ट ईयर हो गया है बट 3 ईयर से कम है, प्लीज़ सर रिप्लाई। जी कुलदीप जी, बिल्कुल न्यू की ज़रूरत नहीं है, डेट होना चाहिए, आप जो है काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मेरा 25 नंबर है, रैंक इतना है। ठीक, जो भी है मेन चीज़ कि क्या लखीमपुर खीरी का जो कॉलेज है वो मिलेगा मुझे फार्मेसी ब्रांच लेनी है। मैं बात करूं कि अगर आप किसी और ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो आपको फार्मेसी नहीं मिल सकती है, अगर आप ग्रुप ई के लिए अप्लाई किए हैं तभी आपको फार्मेसी मिल सकती है। तो ये जो है आई थिंक आप किसी और ग्रुप के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन आपको अगर फार्मेसी चाहिए तो नहीं, ऐसा होता है, आप फार्मेसी के लिए काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। जिस ग्रुप में आप अप्लाई किए हैं उस ग्रुप के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका ग्रुप ई है तभी आपको फार्मेसी मिलेगी। ठीक, अब आप क्या ये रहा कि अगर ग्रुप ई है तो क्या 25 नंबर इतना में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा फिर लखीमपुर खीरी वाला कॉलेज मिलेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट, भाई नॉट क्वालिफाइड लिखा आया है, प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। जी बिल्कुल मिल जाएगा, इस टाइप पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आप सबको थैंक्स वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियोज को लाइक कर दिए होंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को